और राइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और यहाँ पे फाइनली विंड ब्रेकर का 12th एपिसोड आ चुका है। ये मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट एपिसोड है इस सीजन का। तकरीबन 13 ही एपिसोड होने वाले हैं। ओके, अगर आप ये एपिसोड पूरा देखना चाहते हो, सारे फाइट सीन्स देखना चाहते हो, तो मैंने ये एपिसोड ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। वहाँ पर जाकर आप इस एपिसोड को इन्जॉय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में इन लोगों को अपना क्लास एग्जीक्यूटिव या फिर मैं बोलूँ क्लास लीडर चूज करना था, ठीक है ना? आपको याद ही होगा ये वाला सीन। और सुओ ने यहाँ पे साकुरा का नाम लिया था, जिसे सुनके साकुरा यहाँ पे काफी चौक जाता है और एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। ओके, तो सुगेरा भी यहाँ पे इस डिसीजन के साथ सहमत होता है और वो कहता है कि साकुरा को शायद बन जाना चाहिए इस क्लास का लीडर। ओके, इसके अलावा क्यूरियो भी यहाँ पे सहमत होता है, नीरे भी तैयार होता है और बेसिकली ये सबके सब लोग तैयार होते हैं, ठीक है? तो साकुरा कहता है, अरे मेरे को ही क्यों, सुगिशिता इसके लिए ज्यादा बेटर नहीं है। मतलब वो नाम नहीं लेता और सुगिशिता की तरफ उंगली करता है। तो सुओ कहता है, नहीं, उसको इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो साकुरा कहते हैं कि वह तो बाहर से आए हो यार, तो मुझे क्यों बना रहे हो? तो यहाँ पे जो बाकी लोग होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि अब तो लेकिन तुम यहाँ पे आ चुके हो ना, और साथ ही साथ तुमने और सुगिशिता ने उस मिडिल स्कूल के बच्चे को भी बचाया था। इसके अलावा हमने सुना है कि तुमने शिस्टोरिन के सेकंड इन कमांड के बंदे को हरा दिया था, तो यार इतना काफी है मेरे ख्याल से। तो यार ये सब सुन के तो साकुरा को शर्म आ रही होती है। और सुओ कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सेकेंडरी बन जाऊंगा। और दूसरा बताया, जैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होते हैं ना, तो सुओ और नीरे यहाँ पे साकुरा के साथ रहेंगे, साकुरा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटने के लिए। ये सबके सब लोग तैयार होते हैं साकुरा को कैप्टन बनाने के लिए, क्योंकि यार जो क्लास के मेन बंदे हैं ना, जो पावरफुल लोग हैं, उन लोगों ने साकुरा को पहले ही नॉमिनेट कर दिया है, जिस वजह से पक्का हो चुका होता है कि साकुरा ही कैप्टन बनेगा। ओके, यहाँ पे साकुरा यही सोचता है कि यार उमेमिया ने बोला था कि वो कुछ ऐसी चीजें करना चाहता था जो कि वो सिर्फ टॉप पे आके ही कर सकता है, लेकिन साकुरा की बात करें तो वो सिर्फ खुद के लिए टॉप पे आना चाहता है, जिससे कि उसको यू नो रिकॉग्निशन मिले। लेकिन अब साकुरा को ऐसा लगने लगा है कि वो बिल्कुल चोजी की तरह बनता जा रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ओके, यहाँ पे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी हमें यहाँ पे काजी का सीन दिखाया जाता है, जिसकी लॉलीपॉप खत्म हो चुकी होती है और वो तभी भाई पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है, क्या बकवास लगा रखे तुमने, बस रिप्रेजेंटेटिव ही तो चुनना है, पागलों की तरह डिसाइड करोगे, 10 साल लगा दोगे इसी चीज में। भाई वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और बहुत तेज चिल्लाता है। तो यहाँ पे पीछे से कुसुमी आता है और वो उसका हेडफोन हटा देता है, ठीक है? जिसके बाद यहाँ पे काजी नॉर्मली बात करने लग जाता है और इससे इनको पता चल जाता है कि भाई वो इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहा था कि वो इतनी तेज चिल्ला रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे काजी ये कहते हैं, ओए तुम बनोगे रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना? और ये काम खत्म। तो साकुरा को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम हो कौन बे? काजी कहता है कि मैंने देखा कि ये सब के सब लोग तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, लेकिन तुम्हारे कुछ ज्यादा नखरे हो रहे हैं। और वैसे भी कोई भी शुरुआत से ही अपनी परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, अगर तुम यूजलेस हो गए तो तुम्हें चेंज कर दिया जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है? ये बात साफ है। तो साकुरा यहाँ पे इनोमोटो से कहता है, ओए तुम हो ना ग्रेट कैप्टन, तो ये क्यों बकवास कर रहा है बीच में? तो इनोमोटो कहता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम, टाउन टीम का सेकंड ईयर ग्रेट कैप्टन यही है रेन काजी। तो भाई ये सुन के तो साकुरा शॉक हो जाता है, मतलब वो सोचता है भाई इनोमोटो ने यहाँ पे अपने हाथ में कमाल ले रखे, तो ऑब्वियसली ऐसा लगेगा ना कि वो ग्रेट कैप्टन है, लेकिन असली ग्रेट कैप्टन तो साइड में बैठ के मजे मार रहा है। भाई ये बात ना साकुरा को हजम नहीं होती और फाइनली यहाँ पे इनोमोटो घोषित कर देता है कि साकुरा को फर्स्ट ईयर का ग्रेट कैप्टन बनाया जाएगा। ओके, तो साकुरा ये कहता है, मैंने तो बोला नहीं। तो इनोमोटो कहता है, तुमने तो कहा था कि भाई ग्रेट कैप्टन को ये निपटाना चाहिए, अब काजी ने बोल दिया है तो तुम बन जाओगे। तो ये सबके सब लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इनोमोटो इन लोगों को बताता है कि हम स्कूल के बाद आज राउंड पे जाएंगे, पूरे टामोन टीम, तो तैयार रहना। ओके, इवन ये सेकंड ईयर के बंदे, मतलब यार इनोमोटो कहता है कि तुम लोग हमारे साथ अपना कॉन्टैक्ट भी शेयर कर सकते हो। ओके, तो नीरे तो काफी खुश होता है सेकंड ईयर के लोगों का कॉन्टैक्ट हासिल करके। इनोमोटो यही कहता है कि अब ध्यान से देखना काजी को कि किस टाइप का आदमी है वो, हमारा ग्रेट कैप्टन। ओके, तो यार नीरे कहता है, यार अब उसको घूरो मत, मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता था मिडिल स्कूल में, और भाई एक बार वो शुरू हो जाए ना तो उसको रोकना नामुमकिन हो जाता था। अब तुम्हें याद ही होगा आज वो एकदम से कैसे गुस्सा हो गया था, तो हमें नहीं पता भाई वो किस बात पे गुस्सा हो जाएगा, तो इसलिए उससे दूर ही रहो। यहाँ पे सामने से एक बूढ़ी औरत आती है और कुसुमी काजी का हेडफोन हटा देता है। ये औरत यही कहती है कि उसकी जो बच्ची है रीसा चैन, वो आज मिसिंग हो गई है, मतलब खो चुकी है। तो पहले तो काजी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उसका ध्यान रखना, उसको जाने कैसे दिया तुमने? तो ये बूढ़ी औरत कहती है, मुझे माफ करना, मैं काफी लापरवाह हो चुकी हूँ। तो वो रोने लग जाती है और काजी कहता है, अच्छा ठीक है फिर रो मत, हम कुछ करते हैं इसका। काजी इस बूढ़ी औरत को ये कहता है कि अब आप घर पे जाओ, हो सकता है कि वो घर पे वापस आ जाए। तो वो औरत शुक्रिया अदा करके ऐसे निकल जाती है। काजी कुसुमी को कहते हैं इसका मामला संभालने के लिए और खुद आगे जाने लग जाता है। तो भाई ये लोग सोचते हैं कि यार एक बच्चा मिसिंग है और ये ऐसे ही मतलब कुछ करने नहीं वाला, ये ऐसा ग्रेट कैप्टन है। कुसुमी यहाँ पे कुछ मैसेजेस वगैरह फॉरवर्ड कर देता है और वो भी यहाँ से निकल जाता है। नीरे को यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है कि यार एक बच्चा गुम हो गया और भाई इन लोगों को कोई पड़ी नहीं है। तो ये लोग सोचते हैं कि यही ढूंढेंगे उसको, ठीक है? सुओ यहाँ पे इनका जो ग्रुप बना होता है टामोन का अलग से, जो नीरे ने बनाया होता है, उसमें डाल देता है कि हमारा कैप्टन कह रहा है कि हम उसको जरूर ढूंढ लेंगे। और ये सुन के तो साकुरा थोड़ा सा शर्मा जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है वो शर्मीला सा है, और वो कहता है कि अगर किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया तो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और भाई बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, ठीक है? और बोलते हैं कि साकुरा
तुम सच में काफी ऑसम हो। तभी यहाँ पे एक बिल्ली आती है और भाई वो साकुरा के सर पे कूद के भागने लग जाती है। इनोमोटो आता है और वो कहता है अरे साकुरा पकड़ो उसको। तो साकुरा कहता है भाई क्यों? तो इनोमोटो कहता है अरे ये वही है भाई, उस बुढ़िया की बेटी रीसा। तो भाई यार मैं रीसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई वो र ज्यादा घुमाता है इनोमोटो, ठीक है ना। ये बिल्ली यहाँ से भागने लग जाती है और इसके बाद आके एक बिल्डिंग पे चढ़ जाती है। लेकिन भाई साकुरा आते साथ यहाँ पे पार्कोर करके चढ़ जाता है भाई छत के ऊपर और भाई उस बिल्ली को पकड़ने के लिए भागने लग जाता है। भाई ये चेस सीन तो काफी कमाल का होता है सच में। इनोमोटो यहाँ पे बाकी बंदों को भी भेजता है उसके पीछे कि अगर बाय चांस वो बिल्ली नीचे उतरे तो उसको पकड़ लिया जाए। ओके, साकुरा यहाँ पे इसका काफी कमाल के तरीके से पीछा करते हैं और फाइनली आके वो बिल्ली भाई ब्रिज से नीचे कूद जाती है नदी के अंदर। तभी पीछे से काजी भी आ जाते हैं कूद के और भाई वो नदी के अंदर कूद जाता है, ठीक है। इनोमोटो इधर आ जाता है और वो इन लोगों को कहता है कि तुम में से एक बुढ़िया को कॉन्टेक्ट करो और दूसरा काजी की मदद करो ऊपर चढ़ने में, मैं टॉवल्स लेके आता हूँ, ठीक है। तो इस बिल्ली को फाइनली पकड़ लिया जाता है, बुढ़िया काफी खुश होती है। आई एम सॉरी यार बुढ़िया बोल रहा हूँ, मतलब और क्या ही बोलूँ, चलता है ना, है कि नहीं, मतलब तुम्हें ऐसा तो नहीं है ना यार शरीफ बच्चों की तरह बोलूँ आंटी जी आंटी जी गेट अप एंड डांस। एनीवे यहाँ पे शुक्रिया अदा करती है वो औरत इन लोगों का, लेकिन इनोमोटो कहता है कि हमने नहीं, उसने बचाया है तुम्हारी बिल्ली को, ठीक है। तो वो और कोई नहीं बल्कि काजी होता है। वो औरत आके यहाँ पे काजी को शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। ओके, उस औरत का बेटा यहाँ पे कुछ खाने के लिए लेके आया होता है इन लोगों के लिए। साकुरा को याद आता है कि उमेमिया ने कहा था कि वो टॉप पे पहुंचा इसलिए क्योंकि बाकी लोगों ने उसकी मदद की है टॉप पे पहुंचने के लिए, क्योंकि लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ और उसमें मेरी मदद भी करते हैं। तो यहाँ पे साकुरा आता है काजी के पास और उससे वो पूछता है कि तुम ग्रेट कैप्टन बने क्यों, ऐसा क्या करना चाहते हो तुम, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना तुमने। तो काजी कहते हैं ना मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तुम क्या बकवास कर रहे हो ये, और वैसे भी मैं ग्रेट कैप्टन बनना नहीं चाहता था। साकुरा कहते क्यों लेकिन, तो काजी कहते हैं कि उन लोगों ने मेरे को बोला ग्रेट कैप्टन बनने के लिए, मतलब जैसा कि साकुरा के साथ हुआ। ओके, तो साकुरा कहता है अगर ऐसा है तो कोई मतलब नहीं है ये सब करने का, है कि नहीं। तो ये सुन के तो काजी को काफी गुस्सा आता है, वो उठ के खड़ा हो जाता है, उसे सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है भाई। तो वो यहाँ पे पीछे घूमता है, एक लॉलीपॉप निकालता है और खाने लग जाता है। ऐसा लगता है कि भाई ये लॉलीपॉप जो है काजी का गुस्सा शांत रखती है। ओके, तो वो यहाँ पे शांत हो जाता है और वो यही कहता है कि अगर मेरी लॉलीपॉप खत्म हो जाती है ना तो मैं खुद लेके भी नहीं आ सकता, मैं इनोमोटो की तरह लोगों को साथ नहीं रख सकता, कुसुमे की तरह लोगों से अच्छे से बात नहीं कर सकता, तो मैं इन लोगों के बिना अधूरा हूँ, इसलिए मुझे इनकी जरूरत है और उन्हें मेरी, फिर चाहे मैं कैसा भी हूँ। ये बोल के काजी यहाँ से निकल जाता है और वही कहता है कि दूसरों की उम्मीद पे खरा उतरने के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो करता हूँ। वो अपने दोस्तों के साथ रीयूनाइट हो जाते हैं इधर, और साकुरा यही सोचता है कि दूसरों की उम्मीदों पे खरा उतरना शायद वो यही करना चाहता है। साकुरा इधर सोच पे पड़ा होता है तभी पीछे से नीरे आता है और वो ये डैंगो लेके आया होता है साकुरा के लिए, और काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है नीरे कि भाई साकुरा तो एकदम बिल्कुल निंजा की तरह भाग रहा था और अगर कोई इंसान होता तो वो उसे जरूर ही पकड़ लेता। साकुरा तुम सच में काफी कमाल के हो और हम तुम पे निर्भर कर सकते हैं। तो साकुरा कहता है अच्छा तो तुम लोगों ने मेरे को इसलिए ग्रेट कैप्टन बनाया क्योंकि तुम्हें मुझसे उम्मीद है। तो नीरे और सुओ दोनों ही कहते हैं हाँ बिल्कुल है, और तुम भी हम पे निर्भर कर सकते हो, चिंता वाली कोई बात नहीं है। साकुरा कहता है अरे पहले लड़ना तो सीख लो तुम नीरे। दूसरी ओर यहाँ पे हमें कोटोहा के कैफे का सीन दिखाया जाता है और साकुरा इधर उसी बूढ़ी औरत को लेकर आता है भाई जो ठीक से चल नहीं पाती। ओके, लेकिन यहाँ पे साकुरा नीचे गिर जाता है। कोटोहा पूछती है कि तुम ठीक हो, तो साकुरा कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी शक्ल पे 12 बजे होते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी रात सोया नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो रात भर सिर्फ और सिर्फ काजी के बारे में सोच रहा था जो बात उसने बोली थी। ओके, कोटोहा पूछती है कि क्या तुम लोगों ने अपनी क्लास का ग्रेट कैप्टन डिसाइड कर लिया, तो साकुरा के मुंह से कॉफी गिर जाती है। कोटोहा पहचान जाती है कि वो और कोई नहीं बल्कि साकुरा ही है, ठीक है ना, जो कि काफी अच्छी बात होती है। कोटोहा यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और यार उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, क्या ही बोलो यार मैं। तो साकुरा कहते हैं मुझे नहीं लगता ऐसा करके कुछ भी अच्छा होगा। तो कोटोहा कहती है ऐसा मत बोलो, अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें क्या करना है तो तुम वो स्टार्ट करो जो तुम कर सकते हो। तो साकुरा कहता है अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या पता इस बारे में। कोटोहा कहती है कि अच्छा मुझे क्या पता, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें अपनी क्लास के बंदों के सारे नाम पता है, उनके चेहरे याद है तुम्हें। तो साकुरा कहता है नहीं। तो कोटोहा कहते हैं ओ हो तुम्हें याद ही नहीं कुछ भी, ओ नो ये तो काफी बुरी बात है। तो पहला काम तुम यही कर सकते हो, बाकी सारे लोगों के नाम याद करो। तुम्हें पता है अगर तुम किसी इंसान को उसके नाम से बुलाते हो तो ऐसा दिखाई देता है कि तुम उसको सीरियस ले रहे हो। ओके, तो चलो फिर प्रैक्टिस करते हैं, मेरा नाम लो, कोटोहा चैन बोलो चलो। और यहाँ पे बुढ़िया भी बोलती है ठीक है चियो को बोलो। और भाई ये सब सुन के तो साकुरा डर ही जाता है और वो भाग जाता है यहाँ से सैंडविच लेके और जाते जाते शुक्रिया अदा करता है खाने का। ओके, बुढ़िया कहती है कि ऐसा लगता है कि वो काफी शर्मीला है। कोटोहा कहती है हाँ वो तो है, वो लोगों के साथ क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना पाते इतनी आसानी से। यहाँ पे क्लास में आने के बाद साकुरा नीरे से कहते हैं मेरे को सबके सब लोगों के नाम बताओ, और नीरे बताता है सबके नाम, लेकिन भाई इतना आसान तो है नहीं सबके नाम याद करना। सो कहता है ऐसा लगता है कि अपने ग्रेट कैप्टन के रोल को काफी सीरियसली ले रहे हो तुम, अच्छी बात है अच्छी बात है। किरियो और सुगेरा पूछते कि अच्छा हमारे नाम बताओ क्या है, तो साकुरा कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे को तुम्हारा नाम नहीं पता, क्या बकवास कर रहे हो तुम। जिसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं लोग और नीरे बताते हैं इस बंदे का नाम है आनजाई, जिसको थोड़ी बहुत चोट लगी होती है, वो उठ के यहाँ से निकल जाता है और ये लोग सोचते हैं कि उसको हुआ क्या होगा। तभी यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि सारे फर्स्ट और सेकंड ईयर के ग्रेट कैप्टन और सेकेंडरीज को रूफटॉप पे बुलाया गया है। ओके, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे छत पे आ जाते हैं। सुगिशिता भी इधर शामिल होते हैं जो कि इस गार्डन को भाई पानी वानी दे रहा होता है, ख्याल रख रहा होता है इसका। ओके,
ओके, इनोमोटो इन लोगों को बताता है कि तुम लोगों को बाकी टीम ऑफिसर्स से मिलने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है और सबको यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। ज्यादातर जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स है वो पिछले साल से कंटिन्यूइंग है, ओके, और फर्स्ट ईयर ज्यादातर मिडिल स्कूल से आए हुए हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा फेमस है, ओके, तो इसलिए हम सब तो एक दूसरे को जानते ही है। सुओ भी यहाँ तक की बहुत लोगों से बात कर चुका होता है, नेरे को ज्यादातर लोगों के नाम पता होते हैं, लेकिन बस साकुरा ही होता है जिसको भाई मौत आ रही होती है इन सब लोगों के नाम याद करने के लिए। मतलब यार मेरे को भी इजिली नाम याद नहीं होते, और साकुरा की भी यही प्रॉब्लम है कि वो इतने सारे लोगों का नाम कैसे याद करेगा। मतलब खुद की क्लास के तो याद करो ही करो, बाकी क्लासेस के भी याद करो। तो नीरे कहते हैं चिंता मत करो, अगर तुम्हें किसी का नाम याद नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। देखो वो जो रेड शर्ट वाला बंदा है ना, तो साकुरा कहता है अरे शांत हो जाओ भाई, तुम्हें सारी क्लास की ग्रेट कैप्टन का नाम याद है क्या? तो नीरे कहते हाँ वो तो है मेरे को नाम और चेहरे जो इस स्कूल में है, ठीक है। तो भाई हमें बताता है नीरे कि वो कितना अमेजिंग है कि बेसिकली वो जब से इधर आया उसने सबके सब लोगों के नाम याद कर लिया है, तो साकुरा की मदद कर सकता है वो, भले लड़ाई में तो नहीं कर सकता लेकिन इस चीज में तो काम आ ही सकता है वो, ओके। तो उसको कहते हैं वाह क्या बात है, तुम तो सच में काफी कमाल के हो। वैसे देखा जाए तो मैं फिर एक नेगोशिएटर बन सकता हूँ, मैं लोगों को बाटली में उतार लेता हूँ आसानी से, ओके, और आसानी से लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता हूँ और तुम्हारे काफी काम आ सकता हूँ साकुरा। तो साकुरा पीछे घूम जाता है और वो कहता है ठीक है फिर ये चीज मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ नीरे और सुओ। तो यार ये सुन के तो नीरे और सुओ काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुम्हें हमारा नाम पता है? तो साकुरा कहता है अरे भाई पता है, क्यों नहीं पता होगा यार। उमे भी यहाँ पे आ जाता है, उसके साथ यहाँ पे काफी सारे और लोग होते हैं। तो साकुरा कहता है अरे भाई और ग्रेट कैप्टन बचे थे क्या? लेकिन ये सबके सब लोग एकदम अटेंटिव हो जाते हैं, ओके। साकुरा पूछते हैं कि भाई कितने ग्रेट कैप्टन है टोटल? नीरे की बात फट रही होती है और वो कहता है भाई वो ग्रेट कैप्टन नहीं है, चार किंग और उनके सेकेंडरीज है फ्योरिन हाई स्कूल के। तो भाई यहाँ पे माकी भी होती है यार जुजुत्सु काइसेन की, मतलब काफी कमाल की बात है, मतलब सच में काफी मजा आने वाला है फिर तो। दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, लास्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, ओके। अब देखते हैं यार ये एनिमे खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि बाकी सारे एनिमेज भी खत्म होने वाले इस चैनल के ऊपर। मे बी हम क्लासरूम ऑफ द लाइट सबसे पहले खत्म करेंगे, जो पेंडिंग एनिमे चल रही है कि नहीं, जैसे निंजा का मूवी वगैरह, उसके बाद हम कुछ नया शुरू करेंगे। वैसे मैं सोच रहा हूं एक नया चैनल बनाऊं, ओके, अगर आप उस चैनल को सपोर्ट करोगे तो मजा आ जाएगा। तो मैं नया चैनल देखता हूं यार, जैसे बनाऊंगा मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा, वहां पे जाकर आप सब्सक्राइब कर लेना उसको, ओके। वहां पे मैं रिव्यू वीडियोस और ओपिनियन वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, एक्सप्लेनेशन शायद ना ही बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।